टाटा मोटर्स ने फाइनली सफारी को लॉन्च कर दिया है। दिल्ली के एक शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 14.69 लाख रुपीस से शुरू होकर 21.45 लाख रुपीस तक की मिल जाती है सिर्फ डीजल इंजन में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस गाड़ी में कितने वेरिएंट्स मिल जाते हैं, किस वेरिएंट में क्या क्या फीचर दिए हुए हैं और आपको कौन सा वेरिएंट प्रेफर करना चाहिए। इस गाड़ी को टोटल 7 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। बेस वेरिएंट है XE, सेकंड बेस XM, मिड वेरिएंट XT, सेकंड टॉप XZ और टॉप वेरिएंट XZ प्लस। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी का एक एडवेंचर एडिशन लॉन्च किया है जो टॉप वेरिएंट से लगभग 20,000 रुपये महंगा मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेस वेरिएंट XE के बारे में जो आपको दिल्ली के एक्शोरूम प्राइसेस के हिसाब से 14.69 लाख रुपीस का मिल जाता है। फीचर्स के नाम पर इस वेरिएंट में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, मतलब कि स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे करने के साथ साथ आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छी बात है कि इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए हुए हैं। इसके अलावा डुअल फंक्शन DRLs विद टर्न इंडिकेटर्स, रियर पार्किंग सेंसर, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, पावर विंडोज, 4 डिस्क ब्रेक्स, 60:40 स्प्लिट सेकेंड रो, रिक्लाइनिंग सेकेंड रो, थर्ड रो AC एंड AC वेंट्स, 50:50 स्प्लिट थर्ड रो, बॉस मोड और रूफ रेल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर सेफ्टी की बात की जाए तो इसके बेस वेरिएंट में ही आपको फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल और ब्रेक डिस्क वाइपिंग। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको इसके बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड बेस XM के बारे में। ये वेरिएंट आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में 16 लाख रुपीस का मिलता है, मतलब कि बेस वेरिएंट XE के कंपैरिजन में 1,31,000 रुपये महंगा मिलता है। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है 17.25 लाख रुपीस का, मतलब कि इसी वेरिएंट के मैनुअल ट्रांसमिशन से 1,25,000 रुपये महंगा। चलिए देख लेते हैं कि 1,31,000 रुपये खर्च करने पर आपको क्या कुछ ज़्यादा मिल जाता है XM में XE के मुकाबले। मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, ईको, सिटी, स्पोर्ट, फ्लोटिंग डेस्कटॉप, 7-inch टच स्क्रीन विथ 6 स्पीकर्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, फॉलो मी हेडलैम्प्स, फ्रंट फॉग लैम्प्स, रियर पार्किंग सेंसर विथ डिस्प्ले, अभी तक आपको पार्किंग सेंसर तो मिल रहे थे लेकिन डिस्प्ले नहीं था, रियर वाइपर एंड वॉशर, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं इसके मिड वेरिएंट XT के बारे में। ये वेरिएंट सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है 17.45 लाख रुपीस का, मतलब कि XM मैनुअल ट्रांसमिशन से 1.45 लाख रुपीस महंगा मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं कि लगभग 1.5 लाख रुपये ज़्यादा खर्च करने पर आपको क्या क्या ज़्यादा मिल जाता है XT में XM के मुकाबले। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं जबकि अभी तक 6 ही मिल पा रहे थे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है जो अभी तक मैनुअल मिल रहा था। डुअल फंक्शन LED DRLs विद टर्न इंडिकेटर्स मिल जाती हैं। अभी तक आपको DRLs तो मिल रही थी लेकिन वो LED नहीं थी, अब आपको LED DRL मिलती है। इसके अलावा रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM, अभी तक आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल रहा था, अब आपको फोल्डेबल मिलना भी शुरू हो जाता है, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विद लंबर सपोर्ट, अभी तक आपको एडजस्टेबल ड्राइवर सीट तो मिल रही थी लेकिन उसमें लंबर सपोर्ट नहीं था, पुश स्टार्ट बटन, एम्बियंट मूड लाइटिंग, 18-inch एलॉय व्हील्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल और इंफोटेनमेंट सिस्टम में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इन सभी फीचर्स के अलावा अगर आप इस वेरिएंट में पैनोरामिक सनरूफ भी चाहते हैं तो आपको 80,000 रुपये और खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद आप इसका XT प्लस वेरिएंट खरीद सकते हैं जिसमें आपको इन सभी फीचर्स के साथ पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाती है। सनरूफ के अलावा XT प्लस वेरिएंट में और कोई ज़्यादा फीचर नहीं मिलता, मतलब कि 80,000 रुपये दो और पैनोरामिक सनरूफ लो। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट XZ के बारे में। इस वेरिएंट का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको 19.15 लाख रुपीस का मिलता है, मतलब कि XT के मुकाबले 1.7 लाख रुपीस महंगा। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है 20.40 लाख रुपीस का, जो आपको XT में नहीं मिल पा रहा था।
तो चलिए देख लेते हैं कि लगभग पौने 2 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पर इस वेरिएंट में आपको क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है XT के मुकाबले। Xenon HID हेडलैम्प्स जो अभी तक आपको प्रोजेक्टर मिल पा रहे थे, फ्रंट फॉग लैम्प्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन, अभी तक आपको फॉग लैम्प्स तो मिल रहे थे लेकिन उनमें कॉर्नरिंग फंक्शन नहीं था, लेदर सीट्स एंड लेदर वर्क ऑन डोर पैड्स, इसके अलावा लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब मिल जाते हैं, टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स मिल जाते हैं नॉर्मल रफ एंड वेट, जबकि अभी तक आपको सिर्फ ड्राइविंग मोड्स मिल रहे थे इको सिटी स्पोर्ट, यहां से आपको ड्राइविंग और टेरेन दोनों ही मिलने लगते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको अभी तक 7 इंच की टच स्क्रीन मिल पा रही थी लेकिन इस वेरिएंट से आपको 8.8 इंच की मिलने लगती है। इसके अलावा अभी तक आपको मैक्सिमम 8 स्पीकर्स मिल पा रहे थे लेकिन यहां से आपको प्रीमियम JBL के 9 स्पीकर्स मिलने लगते हैं विथ एम्पलीफायर एंड सबवूफर। इसके अलावा शार्क फिन एंटीना, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विथ 7 इंच डिस्प्ले, 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, 18 इंच मशीन कट अलॉय व्हील्स और ऑटो डिम IRVM जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इनके अलावा बात की जाए सेफ्टी फीचर्स की तो जो स्टैंडर्ड सेफ्टी अभी तक आप लोगों को मिल रही थी उसके अलावा इस वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स, हिल डिसेंट कंट्रोल और आइसोफिक्स जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि मिड वेरिएंट XT प्लस में पैनोरामिक सनरूफ मिल रही थी तो उसका मतलब ये है कि सेकंड टॉप XZ में तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जिस तरह से आपको 80,000 रुपये ज़्यादा खर्च करके सनरूफ लेनी पड़ रही थी उसी तरह से अगर आप सेकंड टॉप वेरिएंट में भी सनरूफ लेना चाहते हैं तो आपको 85,000 रुपये ज़्यादा खर्च करके XZ प्लस वेरिएंट खरीदना पड़ेगा। XZ प्लस वेरिएंट में भी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। मैनुअल मिलता है 19.99 लाख रुपीस का, मतलब कि 84,000 रुपीस महंगा, और ऑटोमेटिक मिलता है 21.25 लाख रुपीस का, मतलब कि 85,000 रुपीस महंगा सेकंड टॉप XZ से। मैं आप लोगों को एक और जरूरी बात बता दूं कि इस गाड़ी के सिर्फ टॉप वेरिएंट XZ प्लस में ही आपको 6 सीटर और 7 सीटर का ऑप्शन मिलता है, बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको सिर्फ 7 सीटर ही मिल पाता है। मतलब कि अगर आप इसकी कैप्टन सीट वाला वेरिएंट खरीदना चाहते हैं जो कि 6 सीटर होता है तो आपको इसका टॉप वेरिएंट ही खरीदना पड़ेगा। फिर आपको चाहे सनरूफ चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी का एडवेंचर एडिशन भी लॉन्च किया है। इस एडिशन में भी आपको 6 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन भी मिल जाते हैं। इस एडिशन में कोई नए फीचर्स ऐड नहीं किए गए हैं, बस कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं ताकि ये थोड़ा अलग दिखे। जैसे कि ये आपको एक नए ब्लू कलर ऑप्शन के साथ मिलता है जिसमें इसको रिवील किया गया था। चारकोल ग्रे कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट ग्रिल पर और रूफ रेल्स पर ब्लैक फिनिशिंग मिलती है। इसके अलावा सामने की तरफ आपको ब्लैक कलर का सफारी का बैज मिलता है और इंटीरियर में भी आपको डैशबोर्ड पर डार्क क्रोम कलर मिलता है और सीट्स पर भी ब्राउन कलर थीम का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप ये एडिशन खरीदते हैं तो आपको लगभग 20,000 से 21,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे टॉप वेरियंट के मुकाबले। सफारी में मिलने वाले सभी वेरिएंट्स और वेरिएंट्स में मिलने वाले सभी फीचर्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में तो वो है XM। इस वेरिएंट में आपको ज़रूरत के लगभग सभी फीचर्स मिल जाते हैं और मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप पैनोरामिक सनरूफ खरीदना चाहते हैं या फिर अपनी गाड़ी में ज़्यादा फीचर्स चाहते हैं तो आपको इसका XT वेरिएंट प्रेफर करना चाहिए। टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी की प्राइसिंग तो ठीक ठाक की है, मतलब कि ना महंगी नज़र आती है और ना ही सस्ती नज़र आती है, लेकिन वेरिएंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में 2 बड़ी कमी छोड़ दी है जिसकी वजह से इसकी सेल्स पर असर पड़ सकता है। सबसे पहली कमी तो यह है कि इस गाड़ी के मिड वेरिएंट XT में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्यों नहीं है। अगर इसमें ऑटोमेटिक होता तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला वेरिएंट XT ही होता। आप इसके नीचे वाले वेरिएंट XM में इसके ऊपर वाले वेरिएंट XZ में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर कर रहे हैं तो इसमें ऑटोमेटिक क्यों नहीं है। आमतौर पर कोई भी कंपनी मिड वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जरूर देती है उसकी सेल्स को बूस्ट करने के लिए, जबकि यहाँ पर उल्टा काम किया गया है। दूसरी कमी यह है कि एक तरफ तो टाटा मोटर्स इतना सोचती है कि सनरूफ को वेरिएंट से अलग कर देती है, मतलब कि जिसको खरीदना होगा वो 80,000 रुपये ज़्यादा खर्च करके सनरूफ ले लेगा और जिसको पैसे बचाने हैं वो नहीं लेगा, और दूसरी तरफ इतना भी नहीं सोच पाया है कि अगर किसी इंसान को 6 सीटर वाला कैप्टन सीट मॉडल चाहिए तो उसे मजबूरी में टॉप वेरिएंट XZ प्लस ही खरीदना पड़ेगा। कहने को कैप्टन सीट मॉडल में एक सीट कम हो जाती है, उसके बाद भी उसे 85,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं क्योंकि उसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिल रही है।
अगर किसी को सनरूफ नहीं चाहिए सिर्फ कैप्टन सीट मॉडल चाहिए तो वो क्या करे। इसलिए टाटा मोटर्स को इसके सेकंड टॉप वेरिएंट एक्स जेड में भी 6 सीटर और 7 सीटर का ऑप्शन देना चाहिए था। इन छोटी छोटी दिखने वाली कमियों से 100% कुछ कस्टमर्स कटने वाले हैं। तो चलिए कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि इस बारे में आपका क्या कहना है। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।